14-6 का ये स्कोर और ऐसा लग रहा है कि मानो हाहाकार समझ चुका है। जोकर सोच रहे कि पिस्टल से मार के आपको दिखाऊंगा और मार के दिखाया कि नहीं, आई गेस नहीं, नहीं नहीं। लेकिन अक्षु का वो ग्रेनेड दो खिलाड़ी को डाउन करेगा, खुद को डाउन ना कर दे जोकर। इनको ऑब्वियस कर रहे हैं भाई, तो इनकी फ्रैग चाहिए यहाँ पर, अंकिता भी निकालेंगे लेकिन ग्रेनेड उनके ऊपर फोड़ने की कोशिश। टाइमिंग अगर मैच करती तो शायद वो फ्रैग मिल सकता था, बट कहीं कुछ भी करके अब 5 फ्रैग निकाल रहे हैं। टीम गर्ल्स की तरफ से आप अंकिता, कृतिका, शैलोक एंड आकाश। धूल चटाने के लिए सामने जोकर, अक्षु, स्नैक्स एंड मांबा। तगड़ा मुकाबला होने वाला है गाइस, तगड़ा मुकाबला होने वाला है, आइए देखते हैं मैच। शुरुआती झटका, वो इनिशियल, वो फर्स्ट ब्लड किसका निकलेगा? अंकिता सी का। ओके अंकिता थोड़ा संभल के, ओवर एग्रेशन नहीं जाना यहाँ पर। और शैलोक काफी बढ़िया, देखिए शैलोक भी काफी, हमें पता है काफी एक बेहतर वो एक गर्ल गेमर जो हमने देख रखा है एक कॉम्पिटिटिव सर्किट में, उनको हमने खेलते देखा, तो उस चीज का एक्सपीरियंस यहाँ शैलोक को मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा, देखिए शेरलॉक के गेम को तो मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था, बिकॉज आई रिमेंबर शुरुआत में जब हमारे यू नो गेम की स्टार्ट हुई थी तो शेरलॉक वॉज ऑलवेज देयर एज द इनिशियल गर्ल्स जिन्होंने लड़कियों के तरफ से यू नो एज अ गेमर निकल के सामने आई। थैंक यू। देखते हैं फिगर में कौन ऊपर जाने वाला है यहाँ पे। ओ, कृतिका को टेक डाउन किया। मामा 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 नहीं रुक रहा है भैया, कितनी गोलियां लेके आया मामा, 40 गोलियां। ऐसा लगा कि इन्होंने तो भैया इनकी गन और गोलियां तो दुर्राटे काट रही थी। जलवा है हमारा। देखिए कृतिका तो बिल्कुल टॉप में चल रही है, लेकिन शेरलॉक से शायद मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। शेरलॉक देखिए काफी समय से है और हमने देखा उनको कॉम्पिटिटिव में भी देख रखा है, बट ये हंसी ये बताई जा रही है यहाँ पर हमारी गर्ल्स टीम के लिए कि अब ये तो ट्रेलर था, मतलब ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर हम दिखाएंगे सेकंड मैच में और भी ज्यादा स्कोर के साथ। लेकिन मैं चाहूंगा और जिस हंसी के साथ जोकर, अक्षु और स्नैक्स मामा नजर आ रहे थे, अब मैं चाहता हूँ वो हंसी वो थोड़े से ना आप क्राय में बदल दो उनके। You merely adopted the dark. I was born in it. शेरलॉक ने मांबा को फ्रैग निकल रहे हैं, शेरलॉक काफी अच्छा खेल रही है। हाँ ये कर लो पहले। रुको गाइस। Nice 14-6 का ये स्कोर और ऐसा लग रहा है कि मानो हाहाकार समझ चुका है। जोकर सोच रहे कि पिस्टल से मार के आपको दिखाऊंगा और मार के दिखाया कि नहीं, आई गेस नहीं, नहीं नहीं। लेकिन अक्षु का वो ग्रेनेड दो खिलाड़ी को डाउन करेगा, खुद को डाउन ना कर दे जोकर। इनको ऑब्वियस कर रहे हैं भाई, इसको पैक तीन जन बैठे उन लोग साथ में वहाँ पे एक कंटेनर के पीछे। अभी सीरियस खेलेंगे वो, आई गेस या नहीं खेल रहे। चौतीस 25 ऐसा लग रहा है कि अब बराबरी है, तीसरे मैच की तरफ बढ़ना पड़ेगा हमें। काफी दूर पे स्प्रे किया है, अब यहाँ से कमबैक हो पाएगा या नहीं। 35-29 का स्कोर होता हुआ। टीम मालकिन 1-1 करती हुई 40-36 के स्कोर के साथ, और मालकिन्स ने शेरलॉक सबसे बेहतरीन मालकिन नजर आई यहाँ पे, 14 फ्रैग्स। और इस बार तो अंकिता ने भी बहुत चढ़ के मारा है भाई, हो रहा है लेट के मारे, हम भी लेट हैं, हम भी लेट जाओ इधर। अरे मारे लेट, अरे मारे दो को, मारे दो को, मारे। हमारी टीम मालकिन डोमिनेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन
थोड़ा सा बैकफुट पे ही है, मतलब वो आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्लियर डिफरेंस, क्लियर शेयर डिफरेंस नजर आता हुआ 12-7 का स्कोर है। पूरी तरह से बैकफुट यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि अभी के लिए जो स्कोर है लग रहा है एक मैसिव स्कोर के साथ ये समाप्ति देखने को मिलते नजर आएगी 40-25, 40-22। एक बार फिर, अरे 10 बार कर लो यार, ये वापस से यार कोई ना। व्हाट द डॉग डू, हां चीप, ये लोग फैन करने आ रहे हैं अपने को, आने दीजिए आने दीजिए, यही चल रहा है ऑल चैट में बातचीत करोगे, आ जाइए अब आ जाइए, या तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या फिर ग्रेनेड भी किया जा सकता है। अब ये देखिए रुक गए वो सब पूछने, गए तो गए क्या सब रुक गए एक ही जगह पर। और अब हमारे टीम सनना थोड़ा सा मस्ती में आ गए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा मस्ती में आ गए, और पर मुझे लग रहा है अगर ऐसी ही मस्ती चलती रही ना तो कहीं ऐसा ना हो गलती में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए बाद में, उनको फ्रैग मिल जाएगी, इनकी फ्रैग चाहिए यहाँ पर, अंकिता भी निकालेंगे लेकिन ग्रेनेड उनके ऊपर फोड़ने की कोशिश, टाइमिंग अगर मैच करती तो शायद वो फ्रैग मिल सकता था, बट कहीं कुछ भी करके अब 5 फ्रैग निकाल रहे हैं। फेस कैम देखने हमें, फेस कैम देखने आपका टीम बॉयज का, टीम सनना का, ये मजा उनके लिए सजा बन गई, सोच तो जरूर रहे थे लेकिन ये गर्ल्स पावर, ये क्या ही कमाल का टीम वर्क जो दिखा है यहाँ पर। अब देखो आप लोगों ने तो भाई टीम मालकिन का खिताब यहाँ पर दिया है, मजा आ गया, मतलब उनको ये नहीं पता था, उनको लगा कि चलिए 35 फ्रैग जब हो जाएंगे यहाँ पर टीम गर्ल्स के तब हम फ्रैग निकालेंगे, बट उनको ये नहीं पता चला, आपस में इतना हंसते चले गए, इतना हंसते चले गए कि पता ही नहीं चला कि सामने टीम ने 40 फ्रैग निकाल के जीत भी लिया। Lately, it's lately, lately, I'm in the wrong.